ऐसे क्या देख रहा है? क्या हुआ? आंखें भी भीगी है तेरी, पार्टी में जा रहा है ना तू? एक मिनट रुक, और ये ले टी शर्ट, यही पहन के जाना पार्टी में। थैंक यू माँ। किधर भैया? वो स्कूल का लास्ट ईयर था तो फ्रेंड्स ने पार्टी रखी थी, तो मैं लेट नाइट पार्टी। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। भैया स्कूल का लास्ट ईयर है, फ्रेंड्स दोबारा नहीं मिले। कुछ भी हो, चुपचाप जाकर रूम में सो जाओ। प्लीज जाने दीजिए। एक बार बोला ना, समझ में नहीं आ रही तुमको? जाओ बेटा, छोड़ देना, जाने देना। माँ आप बीच में नहीं बोलो, अभी तक खड़े यार। चलो अंदर, पार्टी में जाएंगे। क्या साला, नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमने कई बार ऐसी घटनाएं अखबार में पढ़ी हैं, टीवी पर या आम जिंदगी में देखी हैं, या फिर लोगों से सुनी हैं कि कुछ लोगों ने किसी पार्टी में जाकर तोड़फोड़ की और उसे बंद करवा दिया। ऐसी घटनाओं की प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। कोई इसे व्यक्तिगत आजादी का हनन कहेगा, कोई इसे संस्कृति के लिए उठाया गया सही कदम, तो कोई कुछ और। लेकिन आज के इस मामले में घटी घटना के बाद अजीबोगरीब ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिसने एक के बाद एक ऐसे कई सवाल इंदौर पुलिस के सामने खड़े कर दिए जिनका जवाब तलाशना उनके लिए चुनौती बन गया। लेकिन क्या हुआ था इस घटना के बाद, क्यों ये केस चुनौती बन गया था, आइए देखते हैं आज का ये केस। आइए सर, देखिए सर, जिसने तोड़फोड़ की जानते हो उसे? जिसने तोड़फोड़ की मैं उनको नहीं जानता हूं साहब। ये पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? चौली करके एक लड़का था और उसके दोस्त लोग। उनके नाम और एड्रेस है ना साहब? कहाँ गया होगा ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब का गया है? ये सब ना आपकी वजह से हुआ है, आपको ही बड़ा शौक था उसको पार्टी में भेजने का। पता भी उन पार्टीज में क्या क्या होता है, पड़ा होगा कहीं खा पी के। हेलो सैंडी, इसका बड़ा भाई महेंद्र बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चों को किस लिए पकड़ के लाए आप? इनका सही ना, पता नहीं। एक मिनट, हमें अपना काम करने दीजिए। पकड़ के लाए आप, काम करने दीजिए। हमें पता है इनके पर आधी रात को इनके बच्चों को यहाँ ऐसे कैसे उठा कर ला सकते हैं आप? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। पार्टी कर रहे थे ना, पार्टी करना कोई जुर्म है क्या? सर ये क्या, वो गुंडा जिसने हम पर हमला किया था और सारी तोड़फोड़ भी की थी। गुंडा किसको बोला बे? अभी बताओ गुंडागर्दी क्या होती तेरे को? बताओ क्या चल रहा है यहाँ? ये पुलिस स्टेशन है, मार्केट या मोहल्ला नहीं है। और किसके साथ क्या करना चाहिए हमें अच्छी तरह से पता है। आप लोग शांत रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आनंद सर, बच्चों को मेडिकल के लिए लेके जाओ और बाद में स्टेटमेंट ले लेना। चलो आप लोगों ने सर आइए। अरे लेकिन, और तू कानून हाथ में लेने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं अपनी आंखों से देश की संस्कृति और अपने भाई के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकता, और अगर इसके लिए मुझे 1000 बार भी कानून अपने हाथ में लेना पड़े ना तो पीछे नहीं हटूंगा। इस देश की यही ट्रेजेडी है, जिन्हें संस्कृति शब्द लिखने भी नहीं आता वो संस्कृति रक्षक बनकर करते रहते हैं। तुमने जो हरकत की है ना उसका हिसाब तो हम करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर तुम्हारे आवाज और अंदाज ने तमीज और कानून की सीमा लांघने की कोशिश की तो तुम्हारी रक्षा करने कोई नहीं आएगा, याद रखना।
सर कहाँ है मेरी बेटी? आपको यकीन है कि आपकी बेटी इसी पार्टी में गई थी? जो भी हमारे पड़ोस में रहता है और इसी के साथ गई थी मेरी बेटी उस पार्टी में। मतलब पार्टी से सैंडी अकेला गायब नहीं हुआ है क्या? राधिका और सैंडी एक साथ थे पार्टी में? नहीं सर, पार्टी में हमने उन्हें एक साथ नहीं देखा। हाँ, सैंडी ने राधिका से बात करने की कोशिश की थी बट उसे वो पसंद नहीं आया। उसने तो उससे हाय तक भी नहीं बोला। हेलो, तो राधिका कहाँ गई? आई डोंट नो सर, इनके आने के बाद वहाँ पे इतना केओस मच गया था कि कौन कहाँ है कुछ पता ही नहीं चला। कोई आइडिया सैंडी अपने घर के अलावा कहाँ जा सकता है? सर, सैंडी जब भी किसी परेशानी में होता था सिर्फ एक ही पर्सन के पास जाता था, हमारी निधि मैम। आप जानती हैं ये सैंडी कहाँ होगा इस वक्त? नहीं सर, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसी राधिका को जानती है? मैं नहीं जानती सर। कल पार्टी में सैंडी और राधिका की मुलाकात हुई थी, पार्टी के बाद से सैंडी और राधिका दोनों गायब। हो सकता है ये नई लड़की राधिका शायद उसके साथ कहीं चला गया हो। ठीक है साहब, कुछ बताना था। बोलो साहब। हमारा नाम राजेश है और ये जो औरत है ना ये हमारी बीवी है। इसका वश चले ना पूरे मोहल्ले को आशिक बना डाले अपना। और वो नाम क्या था उस लौंडे का? सैंडी। सैंडी के साथ इसका अफेयर चल रहा था इसलिए तो उसकी माँ ने शैफाली मैडम ने अपने स्कूल से धक्के मार के निकाला था इसको। ठीक है। मुझे एक फोन करना है और फिर आगे जाना है। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे देर हो रही है, मुझे मार्केट जाना है, आप दूसरा रिक्शा देख लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। हेलो। हेलो, आप शेफाली मैडम बोल रही है? हाँ जी बोल रही हूँ। आपका बेटा हमारे पास है, हमने उसे किडनैप कर लिया है। क्या? तुम कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो, मेरा सैंडी कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। आप हमें 15 लाख रुपए दीजिए, हम आपका बेटा आपको वापस लौटा देंगे। और एक बात याद रखिएगा, पुलिस को खबर करने की गलती मत करना वरना हम सैंडी को मार डालेंगे। जी हाँ, ये सच है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी और मेरे ही भाई को फंसाने की कोशिश भी कर रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ साथ उसके पापा अशोक को और उसके मामा को मुंह पर कालिक पोत कर स्कूल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ, निकाल इसको भी, निकाल बाहर, निकाल इसको बाहर। मैं मानता हूँ कि मैं सैंडी को ढूंढने उस पार्टी में गया था लेकिन वो मुझे वहां नहीं मिला, फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ चला गया? ये सच बोल रहा है? पर सर, ये उससे मिले या नहीं मिले ये हम नहीं जानते सर। उस दिन के बाद से तो मर गई निधि मेरे लिए। वो दिन है और आज का दिन है, शक्ल नहीं देखी मैंने अपनी बेटी की। मंदार का भाई सैंडी गायब है, क्या लगता है आपको कहाँ होगा वो? इस बात के लिए तो आपको निधि से पूछना होगा या उसका भाई मंदार। एक छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी, वो क्या अपने भाई को माफ करेगा? महेंद्र, क्या हुआ माँ? सैंडी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ। किसने कहा आपको? एक लेडी को फोन आया था। नहीं, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा पैसे लेकर। महेंद्र, तो कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, ये सैंडी की जिंदगी का सवाल है। तुझे मेरी कसम,
संदीप यानी कि सैंडी का बड़ा भाई महेंद्र एक ऐसा नवयुवक था जिसकी सोच का दायरा सिर्फ उसके अहम के इर्द गिर्द घूमता था। उसे अपने भाई के किडनैप हो जाने का दुख कम और गुस्सा ज्यादा था। अपनी माँ शेफाली कुलश्रेष्ठ के कहने पर अपहरणकर्ताओं को देने के लिए पैसे लेकर वो गया जरूर था, लेकिन उसने वो पैसे अपहरणकर्ताओं को ही दिए या फिर वो कोई अलग खेल खेल रहा था, इस बात को दावे से कह पाना अभी मुश्किल था। इस बात का फैसला वक्त को करना था, जो कि बहुत तेजी से बीतता जा रहा था और सैंडी का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। महेंद्र, उस लेडी ने बोला था कि पैसे मिलते ही वो लोग सैंडी को छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो 4 बजने आए हैं। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। माँ, तूने पैसे उसी जगह रखे थे जो मैंने बोली थी? तुमसे कोई गलती तो नहीं ना हुई? माँ, मैंने पैसे वहीं रखे थे जहां आपने मुझसे बोला था। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर तुमसे कोई गलती नहीं हुई है तो जरूर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। क्या आप लोगों ने रैंसम की अमाउंट दे भी दी और ये बात पुलिस को इन्फॉर्म करना आप लोगों ने जरूरी नहीं समझा? मैं डर गई थी, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये बात हमने आपको बोल दी तो वो मेरे सैंडी को। ठीक है, जिस नंबर से आपको कॉल आया था वो नंबर हमें दीजिए। सर, वो एक्चुअली कॉल घर के लैंडलाइन पे आया था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इनका बेटा और मेरी बेटी दोनों एक साथ गायब हुए थे। इनके पास रैंसम कॉल आया, मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आया। सर, कहीं राधिका को कुछ, सर प्लीज आप कुछ कीजिए, हमारी इकलौती बेटी है। देखिए, हम लोग सैंडी और राधिका दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, हमें अभी निकलना होगा। चलो। साहब उधर, वहां। ये यहाँ कचरा बीन तुम्हें मिली थी साहब मुझे। आसपास देखो कुछ क्या मिलता है क्या? ये देखिए आनंद, ये पार्टी का वेन्यू और ये जगह कितना डिस्टेंस होगा? यही करीब 500 मीटर। सर, ये मेरी सैंडी की टी शर्ट है। और ये ले टी शर्ट, यही पहन के जाना पार्टी में। सैंडी। हाँ, बैठ जाओ। महेंद्र, तूने ठीक नहीं किया। तेरी वजह से मेरी सैंडी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आनंद, टी शर्ट को फॉरन से अकेले भेज दो। सर, रैंसम की वो कॉल भवर कुआं के एक पीसीओ से आई थी। शॉप के बाहर फोन लगा हुआ था, इसलिए कॉल करने वाली औरत को दुकानदार देख नहीं पाए। लेकिन सर, रैंसम के लिए एक औरत की तरफ से कॉल आना, ये बात आपको अजीब नहीं लगती? सर, इससे भी अजीब बात तो ये है कि रैंसम का कॉल सिर्फ सैंडी के घर वालों को किया गया, राधिका के घर वालों को नहीं, जबकि दोनों साथ ही में गायब हुए थे। ये दोनों गायब साथ में हुए थे, सैंडी को तो किडनैप किया गया है, लेकिन राधिका क्यों गायब है ये अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, उस पार्टी में मौजूद जितने भी लोग थे उनमें से कोई ना कोई उस किडनैपर्स के शामिल था। रश्मि, लड़के लड़कियां स्टाफ कैटरर जितने भी लोग थे उन सबके कॉल रिकॉर्ड निकाल। यस सर। लेकिन सर, वो रैंसम मनी जिसकी पेमेंट शेफाली जी ने की थी, मुझे नहीं लगता कि पैसा किडनैपर्स को मिला है, क्योंकि अगर पैसा किडनैपर को मिला होता तो सैंडी अब तक घर आया होगा। ये पैसा रास्ते में ही गायब हुआ है। बोल 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 सर, जल्दी बोल, फटाफट बोल। सर, मेरा ही भाई गायब है और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि रैंसम के लिए कॉल आने के बाद तूने पैसे दिए थे ना, तो पैसे देने के बाद तेरा भाई कैसे नहीं आया? इसका मतलब किडनैपर्स को पैसे नहीं मिले। सर, उन्होंने जो जगह बताई थी मैंने वहां जाकर पैसे रख दिए थे, उसके बाद उन पैसों का क्या हुआ, किसने लिया मुझे नहीं पता सर। ठीक है, तो सैंडी के बारे में बता, बराबर तेरे वहां पहुंचने के बाद सैंडी पार्टी से कैसे गायब हो गया? सर जी, मैं कैसे बता सकता हूँ? अबे तू ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? सारा तेरा प्लान हो, अपने भाई के आड़ में अपने माँ से पैसे ऐंठने का तेरा प्लान होगा। देख, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। सर, ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि सैंडी कहाँ है। सैंडी को कब से जानती है? 2 साल से सर, मैं उसकी क्लास को ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, पर सैंडी हमेशा से ही मुझे बहुत डरा सा, बहुत सहमा सा, बहुत परेशान सा दिखाई देता था। और फिर एक दिन आज से करीब 1.5 साल पहले मुझे उसकी वजह पता चली। ये सब क्यों परेशान कर रहे हैं आप सब उसे? मैम, हम उसे परेशान नहीं कर रहे, बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। मस्ती, इसे मस्ती कहते हैं? अभी के अभी गेट आउट ऑफ द क्लास, कम ऑन, टेक योर बैग, गेट आउट। सैंडी,
Are you okay? मुझे कोई नहीं समझता मैं, ना घर पर और ना यहाँ पर। घर पर मेरा भाई मुझे कमजोर कमजोर बुलाता है, और यहाँ पर ये सब लोग मुझे गे बुलाते हैं। लेकिन ना तो मैं गे हूँ ना मैं कमजोर, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। नहीं सैंडी, शांत हो जाओ। मैं कमजोर नहीं हूँ। और मेरे बेटे के साथ रिश्ता बनाकर तूने ये साबित कर दिया कि वो गे नहीं है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था मैम। मेरे और आपके बेटे की जिंदगी में प्यार की कमी थी जो हम दोनों को करीब लेकर आई। शर्मिंदा तो आपको और आपके बेटे महेंद्र को होना चाहिए, जो सैंडी को कभी समझ ही नहीं पाए। एक मिनट, इस घटना की जानकारी आपको स्कूल मैनेजमेंट को देनी चाहिए। सर मैंने इन्हें इन्फॉर्म किया था, और सर मैंने एक्शन भी ली थी। मैंने चारों बच्चों को वार्न किया था और उनके पेरेंट्स से एपोलॉजी लेटर साइन भी करवा लिया था। आइंदा ऐसी गलती हुई तो तुम चारों को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। सो बेटर बी केयरफुल। यू मे गो नाउ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक बात समझ में नहीं आई, जो बच्चे सैंडी को इतना परेशान कर देते उन्हीं बच्चों के साथ ये पार्टी करने कैसे गया? ये तो वही लोग बताएंगे सर। यस सर, ये बात सच है कि हमने सैंडी को पूरे साल परेशान किया, लेकिन 12th में सब ठीक हो गया था सर। और 12th के बाद हम अलग होने वाले थे, इसलिए सर हमने उसे अपोलोजाइज करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी सर। अपोलोजाइज करने के लिए पार्टी की थी या पुराना अकाउंट सेटल करने के लिए पार्टी की थी? क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में आना पड़ा था, जलील होना पड़ा था। गुस्सा तो जरूर आया होगा। नो सर, ये बात सच नहीं है सर। बिलीव अस सर, वी हैड नो बैड इंटेंशन। हम बस पार्टी कर रहे थे। और कोई बात जो अभी तक तुम लोगों ने हमें बताई नहीं है? सर आई डोंट नो कि ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट सर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? उस पार्टी में राधिका किस हालत में थी? एक्चुअली सर राधिका ने उस दिन पार्टी में बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, बहुत असर हो गया था सर, और हम सब भाग रहे थे तो मैंने उसे बुलाया भी था, आवाजें भी दी थी सर, लेकिन वो आँख तक नहीं खुल पा रही थी, इसलिए सर मजबूरी में हम सब भाग गए और उसे वहीं छोड़ना पड़ा। ठीक है, फिलहाल तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर पता चला कि आप लोगों ने हमसे कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, तो बहुत महंगा पड़ेगा। आनंद सर, ओके सर। इस घटना को घटे काफी समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस को अब तक ना तो कोई ऐसा सूत्र मिला था और ना ही ऐसी कोई कड़ी जिसके सहारे वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते। राधिका और सैंडी एक साथ गायब हुए थे, लेकिन फिरौती की मांग सिर्फ सैंडी के लिए की गई थी, राधिका के लिए नहीं। पुलिस के शक के घेरे में इस वक्त सैंडी का भाई महेंद्र था, कभी उसकी टीचर रही उसकी प्रेमिका निधि थी, और सैंडी के वो दोस्त थे जिन्होंने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हालांकि ये सब लोग इस घटना में अपना हाथ होने से लगातार इनकार करते आ रहे थे, लेकिन पुलिस का मानना था कि इस मामले में आगे बढ़ने का सूत्र उन्हें या तो सस्पेक्ट्स की इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण लिस्ट से मिल सकता है, या फिर उस रात घटी घटनाओं के घटनाक्रम से। और सारे सस्पेक्ट से पूछताछ करने के बाद उन्होंने उस रात के घटनाक्रम को दोबारा से जांचने का फैसला किया। इस केस को सॉल्व करने का क्लू उस रात घटे घटनाओं की टाइमिंग में छुपा हुआ है। सबसे पहले जॉनी आता है राधिका के साथ रात 8:30 बजे, उसके बाद सैंडी की एंट्री होती है लगभग 11 या 12 के बीच, फिर उन्हें ढूंढते हुए महेंद्र वहां पहुंचता है रात को 1:30 बजे के आसपास, और 1:30 बजे होटल में आने के बाद वो तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, पर उसे सैंडी कहीं नहीं मिलता। सर हो सकता है सैंडी ने महेंद्र को वहां आते हुए देख लिया हो और वो कहीं छिप गया हो, लेकिन महेंद्र ने तो पूरा बंगला छान मारा था, फिर सैंडी गायब कहां हो गया? शायद इसलिए क्योंकि सैंडी वहां था ही नहीं। हो सकता है कि महेंद्र के पहुंचने से पहले ही उसका किडनैप हुआ हो। सैंडी और राधिका एक साथ गायब नहीं हुए, क्योंकि रात को 2 बजे जब जॉली वहां से भाग रहा था तो उसने राधिका को नशे की हालत में देखा था, और हम सब भाग रहे थे तो मैंने उसे बुलाया भी था, आवाजें भी दी थी सर, लेकिन वो आंख तक नहीं खुल पा रही थी। इसका मतलब पहले सैंडी गायब हुआ था और उसके बाद राधिका। सर राधिका उन सबके लिए बिल्कुल नहीं थी, तो राधिका का उस पार्टी में पहुंचना महज एक इत्तेफाक था। तो सर मुझे लगता है राधिका के मामले में कोलैटरल डैमेज वाली थ्योरी ज्यादा फिट बैठती है। ये राधिका और सैंडी एक साथ गायब हुए या नहीं ये नहीं पता, लेकिन दोनों के गायब होने में कनेक्शन जरूर है। क्या कनेक्शन हो सकता है सर? दुश्मनी वाला एंगल। निधि के पिता अशोक और मामा संतोष को महेंद्र और उसकी माँ शेफाली ने स्कूल से बेइज्जत करके निकाला, तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए सैंडी को किडनैप किया हो, या फिर राजेश जिसे पता था निधि और सैंडी के बीच अफेयर चल रहा है उठाकर लेकर आओ तीनों। यस सर। सर
हमें शक है कि महेंद्र और शेफाली ने जो तुम्हारी बेइज्जती की थी उसका बदला लेने के लिए तुमने सैंडी को किडनैप किया है। अब शराफत से बता दो कि सैंडी कहाँ है और उसके साथ क्या क्या किया तुम लोगों ने। मुझे लगता है ऐसे मुंह नहीं खोलोगे तुम लोग। मेरी बीबी ही वैश्य है तो मैं कितनों को मारूंगा कितनों को उठाऊंगा। आज सैंडी है कल कोई और होगा, कितनों को मारूंगा साहब और क्या मिल जाएगा मुझे। वैश्य है साहब, अगर मुझे बदला ही लेना होता तो मैं अपनी बीवी को मारता। हम सच बोल रहे हैं साहब, हमें गुस्सा जरूर आया था और ये भी सोचा था हमने कि जिंदगी में मौका मिलने पर हम जरूर बदला लेंगे माँ बेटे से, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया साहब। तू अपने बीवी के बारे में जो कुछ भी कह रहा है ना, अगर वो वाकई सच है तो अब तक तलाक क्यों नहीं ले लिया, क्यों रह रहा है उसके साथ? साहब आप सब जानते हैं हमारा कानून सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों की कोई सुनवाई नहीं है, और अगर तलाक भी ले लो तो भत्ता दो, मेरे पास पैसे भी नहीं उतने, बस इसीलिए इतने दिन से जेल रहा हूँ उसको साहब। तो इसीलिए तूने सैंडी को किडनैप किया ताकि उसके फिरौती के पैसे से तुझे अपनी बीवी से छुटकारा मिले? नहीं साहब नहीं, यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। अरे मैं मुंह से बड़बड़ कर सकता हूँ साहब, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कोई कांड करूं और पचा लूं, कुछ नहीं किया साहब मैंने। उन तीनों को जाने दो लेकिन नजर रखना उन पर। ओके सर। सर ये रही उस पार्टी में शामिल लोगों की कॉल डिटेल्स, इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है सिवाय एक बात के। क्या? सर पार्टी के लेट नाइट करीब 4 से 5 बजे के आसपास निधि उस एरिया में थी और वो भी बिल्कुल अकेली, वो कुछ देर वहाँ ठहरी और फिर घर लौट गई। निधि, उसे तो पार्टी में इन्वाइट ही नहीं किया था, वो वहाँ क्या कर रही थी? उसके भाई महेंद्र और शेफाली जी की सख्ती की वजह से हमारा मिलना बहुत कम हो गया था। उस रात सैंडी भी पार्टी के सिलसिले में बाहर था और मेरे पति भी एक शादी की केटरिंग के काम से रात भर नहीं आने वाले थे, तो फिर सैंडी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलने यहाँ पर आएगा, लेकिन रात पूरी बीत जाने के बाद भी सैंडी नहीं आया। मैंने कई बार उसे कॉल भी किया लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी इसलिए मैं वहाँ उसे ढूंढने चली गई। सर दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मैं सैंडी से सच में बहुत प्यार करती हूँ, फिक्र है मुझे उसकी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मतलब? अपनी जिंदगी से परेशान होकर मर जाना चाहती थी मैं जब सैंडी ने मुझे बचाया। मैम अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मुझे वो वजह बनने में खुशी मिलेगी जिसकी वजह से आप जी सके। जिसने मुझे जिंदगी दी, फिर से जीने की उम्मीद बंधाई, उसका ख्याल रखना भी तो फर्ज है ना मेरा, बस इसलिए मैं उसे ढूंढने चली गई थी सर, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। यकीन कीजिए इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानती। निधि अगर सच बोल रही है तो उसका बयान हमारी थियरी को सपोर्ट करता है कि सैंडी महेंद्र के डर से वहां नहीं छिपा था, बल्कि महेंद्र के पहुंचने से पहले ही सैंडी का किडनैप हुआ था। सैंडी अगर बंगले में या बंगले के आसपास कहीं में भी होता तो निधि से मिलने वो जरूर पहुंचता। पर सैंडी का खून भरा टी शर्ट हमें मिला है, अब ये टी शर्ट सैंडी और राधिका की कहानी में कहां फिट बैठता है ये पता करना है। यस सर। सर भंवर कुआं के वो पीसीओ के आसपास के शॉप की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक की है, पर उस कॉल करने वाली औरत का कुछ पता नहीं चला है सर। एक जवान लड़के को किडनैप करना फिर रैंसम के लिए कॉल करना एक अकेली औरत का काम नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई मर्द भी इन्वॉल्व है। लेकिन कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से इस केस से जुड़े जितने भी सस्पेक्ट है वो अपने अपने लोकेशन पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग निधि, तो फिर ये औरत और मर्द कौन हो सकता है? और रिकॉर्ड दोबारा से स्कैन करना। वैसे आनंद ये साकेत नगर रॉबरी केस की अगली डेट क्या है? सर वैसे तो कल की थी लेकिन कोर्ट ने डेट कैंसिल करके नेक्स्ट वीक की दी है। ओके। हेलो, क्या कब? ठीक है हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया सर? सागर पुलिस स्टेशन से फोन था, राधिका मिल गई है काफी खराब हालत में, वो लोग उसका मेडिकल करवा कर यहाँ लेकर आ रहे हैं, तुम उसकी माँ को इन्फॉर्म करो। यस सर। सर
मुझे कुछ याद नहीं है। आवाज सुनाई दी बहुत चीखने चिल्लाने की, तभी वहाँ मुझे सैंडी दिखा, उसे कोई खींच रहा था। इस केस में ये पहली बड़ी सफलता थी जो जांच दल के हाथ लगी थी। राधिका का यूं खुद ब खुद सही सलामत वापस लौट आना खुशी की बात थी, लेकिन उसके लौट आने से इस मामले की जांच पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उसके पास पुलिस के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस केस में इंदौर पुलिस के सामने अब भी अंधेरा ही था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें खुद ढूंढना था। क्या इंदौर पुलिस इस अंधेरे में रोशनी का कोई सुराग खोज पाई? क्या उन्हें पता चला कि सैंडी और राधिका के इस तरह अचानक गायब हो जाने के पीछे किसका हाथ था? और क्या राधिका का इस तरह से वापस लौट आना कोई सामान्य सी बात थी या फिर एक सोचा समझा षड्यंत्र? राधिका जिस हालत में मिली थी, उस हालत में कोई भी इंसान एक घंटे में कितना किलोमीटर चल सकता है? शायद 5 किलोमीटर। अगर राधिका 5 किलोमीटर दूर चलकर या सानवेर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये एक सुनसान जगह है और यहाँ एक रेलवे ब्रिज भी है जिसे राधिका ने बताया था। मेरे हिसाब से राधिका यहाँ थी। रश्मि सर, इस सामान की पूरी डिटेल पता करो। यस सर। सर, एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिली है। ये फार्म हाउस निधि के मामा संतोष का है। सर। राधिका तेरे फार्म हाउस में क्या कर रही थी? साहब, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ साहब, सैंडी किडनैप होने के बाद निधि हमारी बहन सुनंदा को काफी मिलने जुलने लगी थी साहब। इन दोनों का मेल जोल देखकर मुझे लगा कि वो जरूर कुछ करने वाले हैं साहब। फिर एक दिन भंवर कुआं के पीसो के पास मैंने मेरी दीदी को देखा, हमने पूछा भी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया साहब। आपका बेटा हमारे पास है, हमने उसे किडनैप कर लिया है। सर, पता चला है कि निधि दार्जिलिंग शिफ्ट होने वाली है। वहाँ के एक स्कूल में उसे टीचर की नौकरी लगी है और उस स्कूल से पता चला है कि उसकी जॉइनिंग डेट नेक्स्ट मंथ की है। निधि शिफ्ट हो रही है? सर जी, सर सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता सैंडी कहाँ है और कैसा है। जब मैंने सैंडी को बताया कि मेरी जॉब दार्जिलिंग लग गई, तो फिर नहीं सैंडी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा रही हूँ। मैं तो बस राजेश से अपना पीछा छुड़वाना चाहती हूँ और सिर्फ इसलिए मैंने जॉब ली है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकता? सैंडी, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा फ्यूचर है। आपके बिना ना तो मेरा कोई भविष्य है ना कोई फ्यूचर है। मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना, सुसाइड कर लूंगा। सैंडी कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम जानते हो। लेकिन क्या, अगर आप भी वैसा चाहती हैं तो मेरे पास एक आइडिया है जिसके जरिए से हम लोग एक साथ रह सकते हैं हमेशा के लिए। कैसे? लेकिन आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे प्लान सुनाने से पहले कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप मुझे किडनैप कर लीजिए। व्हाट? सैंडी कैसी बातें कर? आपने कहा था कि आप नहीं बोलेंगे, पर आपने प्रॉमिस किया था। पहले आप मेरा पूरा प्लान सुनिए, हम दोनों मिलकर मेरी किडनैपिंग का नाटक करेंगे, उसके बाद आप मेरी मॉम से रैंसम की डिमांड कीजिएगा, जो कि मॉम इजीली आपको दे देंगे। आप वो पैसे लेकर दार्जिलिंग चले जाइएगा और मैं यहाँ पर कुछ दिन घर पर रहूँगा और कुछ दिन बाद किसी को बिना किसी को बताए मैं आपके पास आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं रैंसम के लिए शेफाली जी को खुद कॉल करती तो ऐसा हो सकता था कि वो मेरी आवाज़ पहचान जाती और मुझे अपने लिए अलाबाई भी सेट करनी थी ताकि आप लोगों का शक मुझ पे ना जाए। बस इसलिए मैंने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताकर उनसे हेल्प मांगी। अपने बेटे की खुशी के खातिर मैंने इसे मदद करने के लिए हाँ कह दी। तो समझदार है, एक उम्र जी चुकी है, आपको पता होना चाहिए था कि निधि और सैंडी जो कुछ भी कर रहे थे वो गलत था। आप दोनों के अलावा ये प्लान सैंडी को पता था, फिर सैंडी और राधिका संतोष के फार्म हाउस पे कैसे पहुंच गए? सर, माँ ने मामा के फार्म हाउस की चाबी मुझे दी थी और हमारा यही प्लान था कि सैंडी को हम वहीं छुपा कर रखेंगे, लेकिन जब उस रात सैंडी मुझे नहीं मिला तो मैं तो हमारे फार्म हाउस पे गई ही नहीं। तो फिर वो चाबी किडनैपर के पास कैसे गई? आपने चाबी कहाँ रखी थी? निधि के साथ साथ राजेश ने भी हमें यही बताया कि उस रात वो सुदाम नगर कॉलोनी में किसी शादी में केटरिंग का काम कर रहा था। पता करो वाकई वो केटरिंग का काम कर रहा था या कुछ और पका रहा था। सर,
जी सर, मेरे घर में ही शादी था, मैंने ही दिया था कैटरिंग का ऑर्डर राजेश दुबे को, पर वो आया नहीं। क्योंकि सुदामा नगर की उस शादी में तूने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट जरूर लिया था, लेकिन तेरा स्टाफ वहां गया था, तू नहीं गया था, तो तू कहां था बता। अरे साहब, मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां तक पहुंच पाएंगे आप लोग। मतलब ये सब तेरा किया कराया था, क्यों किया ये सब? अरे बोल। ज्यादा कुछ मांगा नहीं था मैंने अपनी बीवी से, चार रोटियां, थोड़ा टाइम बिस्तर पे। इतना भी देने को तैयार नहीं थी वो मेरे को। दिल का रिश्ता, कभी क्या प्यार इश्क मोहब्बत, दिन भर लेक्चर। टीचर थी ना, टीचर बच्चा समझती थी मुझको। ऊपर से कोड़ में खाज बन के आ गए सैंडी। इनको भी मैं ही ले लूं, यहां मैं बूंद बूंद को तरस रहा हूं, और मेरी ही बीवी का जवानी का सागर ये भाई साहब आराम से पी रहे हैं। पीछा किया, फोन चेक किया, सब कुछ किया, तब जाके पता चला कि हमको छोड़ के मैडम दार्जिलिंग जा रही। तभी मुझे सैंडी के संग जो झूठी प्लानिंग थी किडनैपिंग की वो भी मालूम चली। बस मेरे को मौका मिला सैंडी से हिसाब किताब बराबर करने का। मैं पार्टी में गया, चुपचाप छुप के बैठ गया। पिया हुआ था कि क्या था पता नहीं, तोड़ फोड़ करने लगा। मैंने सोचा कि मेरे प्लान की तो ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन नहीं, उसने तो मेरा काम और हल्का कर दिया। अब तो और किसी को मुझ पर शक नहीं होता। कुछ देर महेंद्र निकल गया, लेकिन सैंडी साथ नहीं था। मैं बंगले के अंदर घुसा, निधि के मामा के फार्म हाउस की चाबी निधि की अलमारी में पड़ी हुई थी, मैंने उड़ा ली, दोनों को ले जाके वहीं पे बंद कर दिया। मुझे पता था कि आप लोगों को पहले शक जो है या तो महेंद्र पे जाएगा या तो सैंडी क्लास के उन लड़कों पे जाएगा जो उसे चिढ़ाया करते थे। मैं था ही नहीं कहीं, और जब आपको निधि और सैंडी के किडनैपिंग वाले झूठे प्लान का पता चलता तो आप निधि के ऊपर शक करते। सब कुछ एकदम क्लियर मेरे सोचे अनुसार चल रहा था सर, तो मैंने सोचा कि अभी सैंडी को जिंदा क्यों रखे, मुक्ति देते, मार दिया, बोरे में भर के गोदाम में फेंक दिया। तूने सैंडी को मार डाला? हाँ सर, अब क्या करता उसको जिंदा रख के, सब कुछ तो वैसा ही चल रहा था जैसा मैंने सोचा था। तो फिर राधिका को जाने क्यों दिया? राधिका को सर जाने इसलिए दिया कि वही तो आपको फार्म हाउस तक ले जाती ना, आप लोग सब सब पहचान जाओगे, सब पता कर लोगे सब। राजेश ने एक बेहद घटिया और खतरनाक खेल खेला था, लेकिन इस खेल को खेलने के लिए जमीन देने में हर उस शख्स का हाथ था जो इस केस से जुड़ा था। अगर सैंडी की मां शेफाली और उसके भाई महेंद्र ने सैंडी की भावनाओं और उसके प्यार की जरूरत का ख्याल रखा होता, घर में एक विश्वास का वातावरण बनाया होता, तो कभी भी सैंडी अपने ही अपहरण का नाटक नहीं रचता और ना ही उसका इतना भयंकर अंत होता। उसी तरह अगर निधि के पिता ने उस पर विश्वास दिखाया होता तो उसकी जिंदगी अन्याय और ज्यादतियों की वो कहानी नहीं बनती जिसका अंत दुखद ही होना था। सैंडी और निधि के रिश्ते पर उंगली उठाने का ना तो हमें कोई अधिकार है और ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा है, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हर दूसरी चीज की तरह प्रेम के भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन ना करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। कुल मिलाकर इस मामले में हर किसी ने जीवन के किसी ना किसी नियम की, किसी ना किसी मर्यादा की अवहेलना की, जिसका अंजाम इस दुखद कहानी के रूप में सामने आया। ईश्वर ने हमें ये जीवन भी दिया है और उसे अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार भी, लेकिन तब भी हमारे ना चाहते हुए भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अधिकार पाने के लिए फर्ज को निभाना और नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।